हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश भी होंगे, आबाद भी होंगे, मजे कर रहे होंगे। मेरा नाम हुदा से मैं हूं। आज बड़े तेजी से बोला है, मजे कर रहे होंगे। हां बिल्कुल। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी सुबह से ही हमें इसके ज्यादा लिंक्स आ रहे थे कि इस वीडियो को लाजमी कवर कीजिए। तो वीडियो का जो, जैसा कि आप लोगों को सबसे पहले बताऊं, आजकल क्या हो रहा है, एक इंडिया पे बहुत ज्यादा दबाव भाई पड़ा हुआ है, और ऊपर से क्या अमेरिका अभी तक इंडिया को मतलब एक किस्म की धमकी भी सैंक्शन की दे चुका है, और काफी कुछ ऐसा अमेरिका कर रहा था कि इंडिया रूस की तरफ ज्यादा हो रहा था कि हाँ भाई आजकल पता है क्या हुआ है। पहले नंबर पे यूक्रेन की सबसे ज्यादा बात हो रही है, हाँ। दूसरे नंबर पे रशिया, और तीसरे नंबर पे इंडिया की सबसे ज्यादा। तो इसी बीच में कुछ ज्यादा ही दबाव दे रहा था, तो अभी मेरे ख्याल में थोड़ा हल्का हुआ है अमेरिका, उससे जब समझ आई कि इंडिया हमारी बात ही नहीं मान रहा। वीडियो का जो टाइटल है वो है रूस यूक्रेन तनाव के बीच अमेरिका भारत पर नरम पड़ा, भारत को रूस से दोस्ती का फायदा उठाने का सुझाव। मतलब नरम पड़ा और भारत को कहता है कि रूस से दोस्ती का फायदा उठाओ, मतलब एक किस्म का धोखा दो, जो भारत की फितरत में ही धोखा नहीं है यार। मतलब वीडियो देखेंगे अभी हमें पता चलेगा ऐसी बात अमेरिका ने की है, ये हुआ क्या है पहले, तो बाकी वीडियो देखेंगे पता चलेगा। तो इंडियन अफेयर्स का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट ऑन करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। पिछले कुछ दिनों से भारत के अंदर सोशल मीडिया, न्यूज चैनल डिबेट्स और खासकर ट्विटर के ऊपर अमेरिका की काफी आलोचना हो रही थी, क्योंकि अमेरिका भारत के ऊपर दबाव डाल रहा था कि भारत यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर यूक्रेन के ऊपर वोटिंग के दौरान एब्स्टेन ना किया करे और अमेरिका और यूक्रेन के पक्ष में वोट डाले। हालांकि भारत ने अब तक वही किया है जो हमें अपने देश की फॉरेन पॉलिसी के लिए सही लगा, ना कि हम अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के गोल्स पूरे करें। अमेरिका ने तो ये भी इशारा कर दिया था कि वो भारत की रशिया के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील को लेकर जो कार्टसाइट के अंतर्गत प्रतिबंध थोपे जाने थे उनको अभी भी कंसीडर कर रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन क्राइसिस को जबरदस्ती क्वाड के मंच तक घसीटने की भी कोशिश की, लेकिन इंडिया ने वहाँ पर भी अमेरिका की नहीं चलने दी, और जो ज्वाइंट स्टेटमेंट क्वाड की मीटिंग के बाद सामने आई उसमें रशिया का नाम तक नहीं लिया गया था। यानी अमेरिका अब तक भारत को एक तरह से ब्लैकमेल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर अब शायद अमेरिका को एहसास हो गया कि भारत के साथ ये जबरदस्ती वाला पैंतरा नहीं चलेगा, क्योंकि अमेरिका के भारत के प्रति रुख में थोड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर NDTV इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका का मानना है कि भारत रशिया के कैंप में नहीं है, यानी भारत रशिया का वन साइडेड समर्थन करने वाले देशों में शामिल नहीं है। दरअसल NDTV इंडिया ने अमेरिका की भारत में एम्बेसडर पैट्रिशिया लसीना का इंटरव्यू लिया, जिसमें उन्होंने यूक्रेन क्राइसिस के बारे में सवाल पूछे। भारत की एम्बेसडर के रूप में पैट्रिशिया लसीना पिछले साल सितंबर 2021 में अपॉइंट हुई थी, यानी मुश्किल से उन्हें 5 महीने का एक्सपीरियंस है, लेकिन NDTV इंडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने काफी हद तक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। पैट्रिशिया लसीना ने सबसे पहले तो ये चीज कबूली और कहा कि अमेरिका को पता है कि भारत और रशिया के बीच जो संबंध है वो जिस तरह के भारत के अमेरिका के साथ संबंध है उनसे काफी अलग हैं। मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि अमेरिका को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि भारत रशिया के कैंप में है, यानी भारत वन साइडेड होकर रशिया का साथ दे रहा है। हम बस रशिया द्वारा यूक्रेन के ऊपर किए गए अनफेयर एंड अनजस्टिफाइड अटैक, यानी रशिया के यूक्रेन के ऊपर अनुचित हमले से काफी चिंतित हैं। मतलब कि अमेरिका की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है वो बस इसीलिए कि क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को लेकर काफी चिंतित है। अमेरिकन एम्बेसडर ने आगे कहा कि हम भारत के साथ कई लेवल के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। उनसे जब पूछा गया कि भारत के एब्स्टेन करने से क्या अमेरिका में डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा या नाराजगी पैदा हुई है, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि भारत ने यूनाइटेड नेशंस के मंचों पर ये भी बोला है कि UN चार्टर को फॉलो किया जाना चाहिए, सभी देशों की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरनिटी का सम्मान होना चाहिए। हम भारत की इस बात से सहमत हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहूंगी कि भारत के रुख से अमेरिका के अंदर निराशा है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें पता है कि भारत के जो रशिया के साथ संबंध है वो अमेरिका के रशिया के साथ संबंधों से बिल्कुल अलग है, और हम ये बात बस भारत को ही नहीं बल्कि सभी देशों को कह रहे हैं कि अगर रशिया के साथ आपके संबंध है तो उसका लाभ उठाएं, और ये कॉन्फ्लिक्ट जो आज की डेट में चल रहा है यानी ये जो रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है उसको रुकवाने के लिए उसका इस्तेमाल करें। अमेरिका की एम्बेसडर पैट्रिशिया लसीना की स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि अमेरिका भारत की कंडीशन समझता है और वो समझता है कि भारत रशिया का विरोध नहीं कर सकता है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या कल को चाइना के खिलाफ जंग में अमेरिका भारत की कोई मदद करेगा, हाँ या फिर ना? अफगानिस्तान यूक्रेन की तरह मौके पर हाथ पीछे हटा देगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।
ये जो दूसरी बात की है ना पीछे हटा देगा। पहले तो मुझे अब लगता है ना कि भारत और चाइना की जंग नहीं होने वाली, नहीं होने वाली। अब मुझे भी लगता है ना भाई ये लोग एक ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि यार जिस तरह कंडीशन चल रही है हर चीज में एक किस्म का, सॉरी अमेरिका अपनी मनमानी कर रहा है, एक किस्म का गुंडा बना हुआ है अपना यूरोप के गैंग को लेकर साथ। बिल्कुल, वो जिसको चाहता है क्या कर देता है, किसी को FTF सजा देता है अगर उसके खिलाफ कोई मतलब जाए तो। रशिया ऐसा कर रहा है ना भाई, सॉरी US, तो एक ब्लॉक इधर का बन जाएगा, दो हिस्सों में दुनिया बांट जाएगी भाई। यार तुम जितनी भी अभी जो हुए सारा कुछ देख लो, उसमें एशिया की कंट्रीज जितनी भी तुम अंदाजा लगा लो, उसमें नेपाल को और अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान को छोड़कर, मतलब तुम इस बात से आइडिया लगा लो बाकी एशियन कंट्रीज ज्यादातर ने या न्यूट्रल रहे, ज्यादा ने एब्सटेन किया। और जिस तरीके से अमेरिका दबा रहा है दूसरे देशों को, जिस तरह मुझे लगता है अभी नहीं तो साल दो साल में ये ब्लॉक बन जाएगा। मुझे मजे की बात लगी, देखो UAE खिलाफ गया, उसको FATF में डाल दिया, मतलब सऊदी अरब को दबाया। हाँ, लेकिन इंडिया को दबा के, जिस तक इंडिया नहीं माना, इंडिया तो मैं कहता हूँ किसी की सुनता ही नहीं है, जब तक इंडिया अपनी मान की करता है, हमेशा से इंडिया की आदत। यार देखो मैं अच्छा दबाने की भाई उसने कोशिश की, इंडिया ने नहीं सुनी, अभी कहता है हम वो नहीं कहते है, वो के इंडिया उनके खेमे में, वो इंडिया हमारे साथ ही है, मतलब लेकिन अलग है हमारे। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इंडिया को क्यों घंटा फर्क नहीं पड़ता, इंडिया की जब देखो अमेरिका से दोस्ती नहीं थी, रशिया से थी ना, तो जब इनकी डील हुई थी इंडिया ने कुछ सोच समझ कर ही डील की थी ना, कि मुझ पर सैंक्शन भी लगेंगे सब कुछ करेगा इंडिया। मैं कहता हूँ घंटा इंडिया को फर्क नहीं पड़ता, से तो कभी भी नहीं डरेंगे। मैं कहता हूँ अब वक्त आ गया, मैं सच बता रहा हूँ कि आजकल जो फैसले हो रहे हैं ना, जो भी वो इंडिया के आप मर्जी से हुआ करेंगे, इंडिया को शामिल होगा उसमें वो हुआ भाई। आजकल आपने देखा G7 हो या कोई भी मीटिंग हो, इंडिया के बगैर नहीं होता। आपको तो अंदाजा लगा लो इंडिया का एक लेवल बहुत ऊपर। इंडिया अब वो 20 साल या 25 साल या उस वो पुराना इंडिया नहीं रहा, अब इंडिया पावरफुल कंट्री है, और इंडिया के बगैर इंडिया की फॉरेन डिप्लोमेसी इतनी अच्छी है कि सवाल ही पैदा नहीं होता। अब देखो घुटनों पर एक किस्म का आना स्टार्ट हो चुका है, और आहिस्ता आहिस्ता तुम ये देख लेना कि ये मतलब ये खुद कहेगा कि अब रशिया और अमेरिका खुद बोलेगा इंडिया को, रशिया और यूक्रेन की दोस्ती मतलब आपस में ये जंग से पता है कि रखवा सकता है, तो एक ही देश है जो मतलब रशिया जिसकी सुनता है थोड़ी, तो ये इस लिहाज से माना जाए। और दूसरी बात ये जिस तरह बोल रहे हैं ना कि इंडिया मतलब यार, मैं एक सच में ये बोलना चाहूंगा कि यार इस एशिया के कम से कम यार जितने भी ये देश हैं इनको मिलकर अपना एक मतलब ब्लॉग बनाना चाहिए, ताकि देशों को पता चल जाए। यार गाइस आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं अपना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना, बाय।